भाई फट्टू है, भाई फट्टू है, भाई भाई फट्टू है, भाई आगे नहीं जा रहा है, कह रहा है शेर मिल जाएगा, अब पता नहीं भूत चुड़ैले हैं ये क्या बोल रहा है भाई। तो एक भाई यार अपने साथ में नहीं जा रहा है, बोला मुझे डर लग रहा है आगे। तो ठीक है यार, मतलब किसी को ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, और शेर वगैरह भी आ रखे हैं यार, तो मतलब ऐसा सीन होता नहीं है, बट कोई टेंशन की बात नहीं यार। बैठ जाएगी इसके अंदर। वाह, कोई चिल्ला रहा था क्या? चलो Hey guys, कैसे हैं आप लोग? मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। कमेंट करके बता देना। और अभी मैं आ चुका हूँ वापस से ब्लॉग बनाने। मगर क्यों? क्योंकि मुझे जरूरत है, किसकी जरूरत है? कंटेंट की। कंटेंट की कमी पड़ने लगी है, तो अभी हम लोग जंगल में लकड़ियां काटने आ चुके हैं। हैंग हो रहा है, अपडेट करने वाला है, कोई दिक्कत नहीं कर रहा। जंगल में नेटवर्क कमी है ना, तभी इसलिए हैंग हो रहा हूँ। बाकी आज जाने वाले हैं जंगल में, देखते हैं यार, बता रहे शेर वगैरह भी है। और जिन्होंने ब्लॉग नहीं देखा तो बता दूं, मैं वापिस से टूटे वाले पुल के पार जाने वाला हूँ। आई होप मैं क्रॉस कर पाऊंगा, इस टाइम तो पानी भी होगा। ठीक है, देखते हैं यार चल के। और दूसरी साइड चलेंगे, मर दूसरी साइड से, दूसरी साइड चलेंगे। सो गाइस, आज हम लोग अपनी लिमिट क्रॉस करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच यार, इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट करने के लिए। थोड़े से व्यूज डाउन जा रहे हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं भाई, तुम्हारा उसी एनर्जी में, उसी हैप्पीनेस के साथ में ब्लॉग बनाता रहेगा। व्यूज माइनस में क्यों ना जाए, ऐसे फुल पावर अपने भाई को सपोर्ट करने रहो। और मिलते हैं यार बाइक पे। और क्या बताऊं, बहुत ज्यादा फट रही है। इधर उधर का व्यू दिखाते हैं आप लोगों को, चेक करो। ओ ये चेक करो भाई, भाई ये चेक करो, देखो कितनी ऊपर आ रखे हैं भाई इस पेड़ के बराबर। और ये पेड़ भाई बहुत नीचे है, ठीक है, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं, व्यू तो बहुत तगड़ा आ रहा भाई कसम से। भाई हम खड़े किस हैं भाई, ये किसी से बंधा नहीं है भाई, ये देखो ऐसे ही पूरी रखी है, देखो कोई भी उठा लो भाई, ये देखो सारी ऐसे ही है, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं, अब थोड़ा बहुत तो ब्लॉग के लिए तो मस्ती चलती रहती है, और मिलते हैं। और ये देखो भागने लगा भाई, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अब बस निकलते हैं यार फटाफट, और मिलते हैं आपको बीस्ट पे। बीस्ट वेपन मॉन्स्टर सब नीचे लगा है यार, चेक करो कैसा लग रहा है भाई, देखो ऊपर से अपना देखो, ये चेक करो, हिला रहा है भाई, गिर जाएगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, और मिलते हैं आपसे बाइक पे। ये बात मैं 3 बार ही बोल चुका हूँ, तो कोई टेंशन की बात नहीं, मिलता हूँ आपको बाइक पे। लव यू ऑल। अरे बस कर भाई, चुके हैं अपनी बाइक पे, और मैं अपनी विस्ट को काफी ज्यादा मिस कर रहा था यार, तो आज मैं विस्ट चलाने वाला हूँ, और बाकी भाई वगैरह चलाने वाले हैं। मैं इसकी बैटरी नहीं डलवा पा रहा हूँ भाई, इतने पैसा नहीं है, देखो ये क्या करना पड़ रहा है। चलो लेट्स गो, एक वीडियो मारते हैं बहुत दिन के बाद, बहुत तगड़ी थी भाई, निकल सकते हैं यार। मैं भी सबसे आगे चलने वाला हूँ, मुझे डर नहीं लगता शेर वेर से। तो यार तुम तो बोल रहा हूँ भाई, दिखे ना यार बस, क्योंकि यार इधर शेर का सीन इतना ज़्यादा हो रखा है यार, कि भाई इधर तो लोग भी आते हुए डरते हैं भाई, सामना करते हैं भाई, इधर से मत जाओ, बाकी किधर से भी जाओ। भाई काफ़ी दिन से बोल रहा था कि जंगल की राइड करना है, जंगल की थोड़ा एडवेंचर करते हैं, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, तुझे एडवेंचर कराते हैं भाई, तो बस एडवेंचर शुरू है भाई। इंजॉय करो, चिप्स पे क्या बोलते हैं, चिप्स उप्स लेकर बैठो यार, और देखो फुल वीडियो एकदम तबाही वाला। इसका मैं क्रूज कंट्रोल भी कल लेकर आऊँगा भाई, कल पक्का, प्रॉमिस, क्रूज कंट्रोल कल इसका बन जाएगा भाई। फिर मैं पीछे बैठ के बाइक चलाऊँगा पिलियन की सीट पर, तो उसकी कोई टेंशन की बात नहीं, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। और भाई डर लगता है कसम से इधर भाई, पता नहीं क्या कर रहा भाई, तो मुझे क्या करना यार, कोई भी कुछ भी करे, मुझे अपने काम से मतलब और अपने एम पे फोकस करना, बाकी और कुछ नहीं, मैं इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान नहीं देता हूँ भाई। ये चेक करो भाई, जो लड़ाते हुए जा रहा है वो। अभी तक तो इसमें कुछ भी डर की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो सारे नॉर्मल बंदे आ जाएंगे, और मतलब नॉर्मल क्या, सारे बंदे इधर तक आ जाते हैं भाई, कैसे बंदे हो, ठीक है। यहाँ तक कि बच्चे भी इधर मतलब जो पास में रहते हैं वो इधर तक इजी पीजी आ जाते हैं। एक नहर पड़ती है यह वाली, इसके आगे जाना भाई कसम, मतलब दिल पे हाथ रख के जाओ, जाना है तो भाई यहाँ डेली शेर देखे जाते हैं भाई, पता नहीं दिन में कहाँ चले जाते हैं भाई, शाम के टाइम देखे जाते हैं भाई 4 या 5 बजे, अभी तो टाइम भाई 2 या 2:30 बज रहा है,
आते हैं यार। बाकी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई, पीलियन की सीट पे बैठना मतलब भाई सोफे पे बैठा हूँ भाई मैं। और एक ये जिसकी मैंने कटवा दी है और इतनी ज़्यादा हार्ड हो गई है, क्या बोलूँ यार। वैसे मैंने बोला ना यहाँ तक सब बंदे आ सकते हैं, बट इसके आगे जो बंदे जाएंगे भाई वो दिल पे हाथ रख लें। हाय चचा, तो ये वो सीन है भाई। क्या बोलती पब्लिक, अभी आ चुके हैं यहाँ कहते हैं। व्यू चेक करने लायक है क्या, ये भी दिखाया जाता है। तो गाइस ये देखो मेरे भैया लोग दिखा रहे थे तो मैंने भी दिखा दिया। चलो तो अभी अंदर चलने वाले हैं भाई, मैं तो जा रहा हूँ। और मैं बता दूं भाई इधर यार एक मेरे कांटा लग गया था, तब से मेरी फटती है भाई। ये वाले जो इधर ये साइड वाला कांटा है भाई बहुत गंदा है, मेरे लगा था ना भाई, मुझे पता है भाई। लेट्स गो बेबी। तो अभी आ चुके हैं यार भाई, चेक करो यार भाई साहब व्यू चेक करो यार, कितना प्यारा लग रहा है। भाई सारी गाड़ियां आ गई इधर ही। हाँ मैंने नींबू का पेड़ दिखाया था हम लोगों को, जब उसमें नींबू आ जाएंगे तब मैं नींबू खाऊंगा, और अभी तो कोई सीन नहीं होता है भाई। चेक करो क्या प्यारी लग रही है भाई यहाँ पे, ये लोकेशन ना भाई दिल को छूने वाली। देखो सारे बंदे यहाँ मस्ती करेंगे, अब चेक करो है अच्छी लोकेशन। इसलिए हम नहर आ चुके हैं गाइस, देख सकते हैं सीन गाइस नहर का। तो ये भाई लोग हैं जो ये भाई लोग आ चुके हैं नहर में, और ये देखने पानी पानी में अपनी गाड़ी डुबोएंगे भाई। भाई देख सकते हो भाई पानी में गाड़ी डूब रही है भाई, ये देख सकते हो भाई, ये देखो भाई भाई पानी में अपनी गाड़ी डुबोएंगे और हम भी पानी में गाड़ी डुबोएंगे अपनी, देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। यार हमारी गाड़ी डूब ना जाए कहीं, यही डर लग रहा है हम लोग को। भाई देखो फुल पावर गाड़ी डुबो रहे हैं लोग। हाँ भाई हमारा देखो बहुत ही मतलब क्रेजी है भाई, क्या बताएं यार। भाई आराम से भाई, पीछे गड्ढा है भाई, पूरी चली जाएगी, टोटल लॉस हो जाएगा भाई। तो भाई देखते हैं क्या सीन रहता है। तो भाई यार ये देखो बदतमीजी कर रहा है फालतू में, आराम से चली जाएगी यहाँ पर हमने छोड़ी। ये भाई बहुत गहरा, इस साइड में गहरा गड्ढा है यार, बदतमीजी मत करो यहाँ। ये देखो ये चेक करो, ओए आगे कुछ नहीं कहूँगा। बैठ जाएगी इसके अंदर। वाह यार सब गंदा गंदा करते करो यार, सब गंदा गंदा कर दिया। ये देखो ये चेक करो भाई ने बाइक इतने बैठा दी, बाइक अपना बैलेंस खुद बना रही है। भाई फट्टू है भाई, फट्टू है भाई, भाई फट्टू है भाई, आगे नहीं जा रहा है, कह रहा है शेर मिल जाएगा, अब पता नहीं भूत चुड़ैले ये क्या बोल रहा है भाई। कोई टेंशन की बात नहीं, तुम 10 मिनट रुको मैं 20 मिनट में आ रहा, और ना आया तो चले जाना। आ रहा भी ठीक है। तो एक भाई यार अपने साथ में नहीं जा रहा है, बोला मुझे डर लग रहा है आगे। तो ठीक है यार, मतलब किसी को ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, और शेर वगैरह भी आ रखे हैं यार, तो मतलब ऐसा सीन होता नहीं है, बट कोई टेंशन की बात नहीं यार, मतलब बहुत कम निकलते हैं। अब बस एक मिनट और रुक जा भाई, इतनी गंदी वाइब आएगी, इतनी गंदी वाइब आएगी भाई, कोई बंदा सोच नहीं सकता वहाँ तक भाई, एक बंदा नहीं दिखेगा, अगर एक बंदा दिख जाए तो भाई बात करना कसम से। इधर से लोगों के आने में फटती है फटती, इधर बोलते हैं कि
मतलब साया वगैरह और यही सब, मतलब ठीक है यार, कोई मतलब ये चीज़ें मानता हूँ होती हैं, बट ऐसा नहीं है। देखो भाई अपने यार इधर लकड़ी वकड़ी बीन रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, चल रहा है ऐसे यार, पका रहे थे ये नहीं वो। भाई देखो ये हमारे दिमाग में थॉट चलता रहता है कि मैं ये चीज़ मेरे साथ में होनी ही होनी है, अगर मैं निगेटिव सोचूंगा तो निगेटिव मेरे साथ में 80% होता है भाई, और पॉजिटिव हमारे साथ में 20% होता है, तो निगेटिव हो जाता है, फिर वो मेरे थॉट में बैठ जाता है कि भाई अब मेरे साथ में ऐसे ही होता रहेगा, तो ये सीन नहीं होता है भाई। जो होता है ना ऊपर वाले के रहम करम से यार, कुछ नहीं होता है भाई, कुछ भी नहीं, जो सब सोचोगे वही होगा भाई, बाकी कुछ नहीं होने वाला है यार। और यार देखो अगर जंगल में आओगे भाई तो सेफ्टी का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा यार, क्योंकि शेर वगैरह तो इजी बीजी चीज़ है कि मिल सके आपको, और ऐसे यार कोई टेंशन की बात नहीं यार। बाकी भाई ने बोला कि मुझे नहीं आगे जाना, मुझे डर लग रहा, तो मैंने मना कर दिया कि भाई मत तू जा, मैं देख लूँगा यार, कोई टेंशन की बात नहीं, बस मैंने आप लोगों से बोला कि मुझे जाना है। उसके बाद मुझे पता चला इधर शेर और पता नहीं क्या क्या, मतलब सारी चीज़ें इधर ही आने को रहेंगे, अपना भाई भी पीछे आ रहा है यार, तो कसम से बोलूँ ना इधर आने का जो दिल होता ना कभी कभा ही नहीं देता यार, इतनी इधर गंदी वाइब आती है भाई, और यार क्या भयानक लगता है भाई। और कुछ ऐसी ऐसी इसमें चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि सडनली किसी पेड़ को देख लिया, झाड़ी को देख लिया, तो तुम लोगों की भाई यार ये क्या है भाई, वो एक थॉट ना बैठ जाएगा दिल में यार, तो उससे से तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी ये चीज़ें कुछ नहीं होती हैं यार, कसम यार। तुम लोग यार भाई इतना सब सोचते हो ना यार, इसी के चक्कर में ये सब होता है, बाकी इतना कुछ नहीं है भाई। ये आप लोगों को दिखाते हैं कि शेर पानी कहाँ पीते हैं भाई, बाकी यार अब तुम सच्ची बताओ ना मेरी भी फट रही है, कि एक महीने पहले ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ गंदी वाइब्स वगैरह आती थी, बट जब से इधर मतलब सीन हुआ है ना तब भाई इधर ऐसे ऐसे कांड हो रखे हैं भाई, कोई बंदा सोच तक नहीं सकता भाई। और अपने भाई लोग हैं यहाँ पे, तो वो भी कोई टेंशन की बात नहीं है यार, कि सारे बंदे होते हैं और मतलब यहाँ पे सारे बंदे आते रहते हैं, साइड समझ लो यार, तो कोई टेंशन की बात नहीं। ये भी दादा लोग हैं अपने, अभी आ चुके हैं अपने ब्रोकन ब्रिज पे, करते हैं थोड़ा वो सूट और फिर निकलते हैं यहाँ से। आगे जाने का कोई रास्ता तो है नहीं यहाँ से, ख़त्म। पानी कितना गहरा होगा यार ये, तो भाई साहब पता नहीं बाइक निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी, तो चेक कर देंगे साइड साइड में, बाइक निकल जाए तो निकालते हैं यार, ठीक करने वाला हूँ पूरी यहाँ पे आके। मैं क्यों उतार लूँ, भाई साहब जंगल देख करो यार, और मैं बता दूं इसके नहर के ज़्यादा पास भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भाई शेर वगैरह जो होता है ना वो नहर के पास में ज़्यादातर रहते हैं, ठंड वगैरह और पानी पीने के चक्कर में, ठीक है। सो मुझे थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा, जो बीच में भाई फटती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है। देख के यार यहाँ पर कांटों का सीन बहुत ज़्यादा होता है, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। करो यार कितना गंदा लग रहा है इधर, हाँ तरीके से चला रहा हूँ, ऐसा लग रहा मैं आयरन मैन हूँ भाई, मुझे कोई तकलीफ ही नहीं होती। बट बता दूँ भाई शेर भाई फटती तो है भाई कसम से, बट कोई टेंशन की बात नहीं यार, नहीं हूँ लगता बाइक इससे क्रॉस हो पाएगी, या कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो एक जो बोलता नहीं जंजीर टाइप से रस्सी लेकर आएंगे, तो मतलब वो डाल के बाइक डालेंगे, बाइक डाल देंगे, बाइक खींच लेंगे उधर साइड में। कोई चिल्ला रहा था क्या, चलो लोग निकलने आ रहे हैं, तो यार यहाँ से निकलो यार, मतलब निकलने जा रहे हैं क्योंकि काम का टाइम है, और समझ सकते हो यार कोई जानवर वगैरह आ जाए पानी पीने तो क्या फ़ायदा, हम लोगों की जान निकल जाएगी। तो निकलते हैं और मिलते हैं आपको फटाफट जंगल के बाहर। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं सेफली जंगल से बाहर, और बहुत ही अच्छा लगा यार अंदर जाके, और निकलते हैं यार थोड़ा सा और आगे फटाफट। और तो अपना फट्टू भाई दिख चुका है मुझे, और ये रहा अपना फट्टू भाई,
निकलते हैं यार, और थोड़ी सी बातचीत करते हैं आप लोगों से और फिर फटाफट निकलते हैं। सर बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और आज भी हम शेर ढूंढने में नाकाम रहे, नेक्स्ट टाइम देखते हैं अगर शेर मिलता है नहीं मिलता है। बाकी रिवर तक गए, साइड में भी ढूंढा नहीं मिला, तो कोई टेंशन की बात नहीं है यार, नेक्स्ट टाइम फिर से कोशिश करूँगा मैं, और रिवर के पास भी मतलब जो पार होता ना रिवर के पार भी जाने की कोशिश करूँगा। मैं सोचा कि बाइक को कुदा दें बट अगर गहरा हुआ ना फंस जाएगी फिर निकलने का सीन हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम में टोचन लाएंगे फुल पावर और रिवर पार करेंगे। तो मिलते किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बी सेफ, राइड सेफ एंड लव यू ऑल।